We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Subject DC circuit code 3320903 and your chapter 2 electrical circuits and your derivation is derivation of equivalent resistance in series circuit for 2 resistance. Kitne resistance hai iske andar? 2, right? So usko aapko kisme connect karna hai? Series ke andar connect karna hai, right? So R1 and R2 2 resistance hai, usko series mein apne connect kar diya. When your supply voltage is connected with in front of 2 resistance, at that time क्या होगा? ये current उसमें से flow होगा. Current flow होगा, तो resistance क्या करेगा? Resistance की property क्या है? वो उसका opposite करेगा. तो उसकी across में क्या होगा? Voltage drop होगा. So voltage drop को हमने क्या नाम दिया हुआ है? V1 and V2, right? अभी equivalent resistance. अभी आपको क्या करना है? सबसे पहला step total R find out करना है. क्या करना है? Total R फाइंड आउट करना है. टोटल आर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे आप? R1 प्लस R2 का एडिशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? टोटल आर, राइट? वैसे ही सप्लाई वोल्टेज में भी वैसा ही है. V इज इक्वल टू IR. V का क्या इक्वेशन है? V इज इक्वल टू IR. सो V इज इक्वल टू IR, पुट द वैल्यू ऑफ R इन दिस, क्या होगा? R1 प्लस R2, राइट? अभी आपका आएगा सप्लाई करंट. क्या आएगा आपका? सप्लाई करंट. अभी एज पर ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू V बाय R. ओम्स लॉ क्या बताता है हमें? I इज इक्वल टू V बाय R. सो पुट द वैल्यू ऑफ R. R की वैल्यू क्या है? R1 प्लस R2, राइट? अभी तीसरा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर R1. टोटल रेजिस्टेंस 2 है. सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है आपका R1, उसकी अक्रॉस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो आपको यहां पे फाइंड आउट करना है, राइट? सो पहला है तो यहां पे क्या आएगा? 1. दूसरा होगा तो क्या आएगा? 2, राइट? यही सिर्फ डिफरेंस है. सो V1 इज इक्वल टू IR1 इज इक्वल टू V. Put the value of R1, right? So R1 divided by R1 plus R2, वैसे ही सेम यहाँ पे R2 है. So R2 कहाँ पे चला जाएगा? ऊपर. So R2 divided by R1 plus R2. तो क्या मिलेगा आपको? V R1 divided by R and V R2 divided by R. So ऐसे आपको क्या मिल गया? Voltage drop मिल गया. क्या मिल गया आपको? Voltage drop मिल गया, right? So voltage drop across any resistor Rn. कोई भी रेजिस्टेंस हो, इसमें तो 2 दिया हुआ है, 3 आएंगे, 4 आएंगे, जितने भी रेजिस्टेंस हो तो उसका ये फाइनल उसका इक्वेशन है. क्या आएगा? Vn नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स और नंबर ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू V इनटू नंबर ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइड बाय R. सो ये आपका हो गया बेसिक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का इक्वेशन, जिसके अंदर 2 रेजिस्टेंस हो, 3 रेजिस्टेंस हो, लेकिन उसका जो ये फार्मूला है वो सेम रहेगा, उसका जो ये पैटर्न है वो सेम रहेगा, राइट?